हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेज ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रांस को स्कूल में किस चीज की तैयारी करके जाना था, यानी कि फ्रांस को स्कूल में क्या होमवर्क प्रिपेयर करके जाना था उस दिन। आंसर समझते हैं। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद अ टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे, फ्रांस को उस दिन पार्टिसिपल के टॉपिक की प्रिपरेशन करके जाना था। बच्चों पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक होता है। तो फ्रांस को जो होमवर्क दिया गया था उसके टीचर एमएमएल के द्वारा, वो होमवर्क था पार्टिसिपल की प्रिपरेशन करना। बट ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन वो पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था, यानी कि फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। सो ही वॉज अंडर द ग्रेट ड्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड बाई हिज टीचर एमएमएल, तो वो अपने टीचर से डांट खाने की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो बच्चों ड्रेड मतलब होता है डरना, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। तो फ्रांस को अपने टीचर से डांट खाने की वजह से काफी ज्यादा डरा था। हु वाज अ स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन मास्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त और डिसिप्लिन मास्टर थे। कौन? एमएमएल, यही फ्रांस के टीचर थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे। ठीक है, ये आंसर हुआ। अब समझते हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रांस ने अपने स्कूल में क्या असाधारण चीजें देखी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट हसल एंड बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, अक्सर जब स्कूल लगता था तो स्कूल में बहुत ज्यादा हसल बसल यानी कि शोर शराबा होता था, जो कि गली में बाहर तक सुनाई पड़ता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, डेस्क के ओपन करने की आवाज, क्लोज करने की आवाज, रिपीटिंग लेसन इन यूनिसन, एक आवाज में लेसन को रिपीट करने की आवाज, रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, टीचर्स के रूलर की आवाज जो कि टेबल पर बजाते थे। बट ऑन दैट डे पर्टिकुलर डे स्कूल वाज़ अ क्वाइट सेरेमनी, लेकिन उस खास दिन स्कूल इतना ज्यादा शांत था जितना संडे मॉर्निंग को होता है, जैसे कि संडे हो। एमएल वाज वॉकिंग विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म, और एमएमएल अपने रूलर को अपने आर्म के नीचे दबाकर वॉक कर रहे थे, यानी कि चल रहे थे। ये असाधारण चीजें, अनयूजुअल थिंग्स फ्रांस ने नोटिस करी उस दिन। बच्चों इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो यही वाला, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा रखा था। समझते हैं, बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज फॉर द पीपल, बुलेटिन बोर्ड लोगों के लिए लेटेस्ट खबरों का एक सोर्स था, स्रोत था। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ओनली बेड न्यूज हैड कम फ्रॉम इट, पिछले दो सालों से सारी बुरी खबरें यहीं से आ रही थी। अ सिमिलर ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ऐसा ही एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि ओनली जर्मन लैंग्वेज एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो जर्मन्स ने नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पे पुट कर दिया था। तो ऑर्डर क्या आया था कि जर्मन लैंग्वेज एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर बर्लिन से आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन इस ऑर्डर ने स्कूल में क्या परिवर्तन लाया। After the order from Berlin, the whole school seemed very strange and solemn. Berlin से आदेश आने के बाद पूरा का पूरा जो स्कूल था बहुत ज्यादा गंभीर था और बहुत ज्यादा विचित्र था। Strange यानी अजीब, और solemn तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। MML had put on his best dress which he used to wear on formal occasion. तो एमएमएल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन रखी थी
जो किसी फॉर्मल ओकेजन पर अवसर पर पहना करते थे। ऑन द बिग बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द एल्डरली विलेजर्स पीपल वर सिटिंग क्वाइटली। वो पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, इनके ऊपर गांव के लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, यानी चुपचाप बैठे थे अपनी एलिमेंट्री बुक्स के साथ, यानी कि बच्चों की तरह अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई की जो किताबें होती हैं वो किताबों को लेकर अपने स्कूल में, मतलब उस स्कूल में बैक बेंच पर गांव के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एमएमएल इन स्कूल जेन। तो फ्रांस की अपने एमएमएल यानी टीचर और स्कूल के लिए फीलिंग्स कैसे चेंज हुई। फ्रांस वॉज शॉक वन एमएमएल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांस को बहुत ज्यादा शॉक हुआ जब उसके टीचर एमएमएल ने स्टूडेंट्स को बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है फ्रेंच लैंग्वेज का, ये इनका लास्ट लेसन है। इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप टू हिम। ये चीज़ उसके लिए बिजली की तरह गरज गई कानों में। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर, वो अपने टीचर्स के रूलर को, उनके क्रैंकीनेस को भूल गया। ही डेवलप इमेंस सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, और अपने टीचर एमएमएल के लिए इसके माइंड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई जिन्होंने 40 साल एलसेज में सेवा दी थी। ही वॉज ट्रबल एट द आइडिया बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिज फॉरएवर, और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसके टीचर हमेशा के लिए उससे जुदा हो रहे हैं, यानी बिछड़ रहे हैं। ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, वो अपने टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति फील कर रहा था। उसकी जो किताबें थीं और लेसन थे ये इसको बर्डन लगते थे, लेकिन सडनली ये सब इसके अब ओल्ड फ्रेंड हो गए। अब इसको एहसास हुआ कि इसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी जिस पर ये अटेंशन नहीं देता था, जिसको कभी ठीक तरीके से सीख नहीं पाता था, अब वो फ्रेंच लैंग्वेज भी इनके देश से छिन रही है, तो इसका बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस कर रहा था, यानी अफसोस कर रहा था। व्हाट वाज द फियर लिटिल इन फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। तो फ्रांस के माइंड में क्या डर था जब वो उस दिन स्कूल के लिए देर से निकला। फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड दैट डे। फ्रांस को डांट खाने का डर था, स्पेशली क्योंकि इसके एमएमएल जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि वो इनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शो यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। अचानक लोगों को एहसास होता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी ज्यादा कीमती थी, तो ऐसा क्यों। द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग इज रियलाइज व्हेन वी आर गोइंग टू लूज इट। किसी भी चीज का एहसास, असली एहसास हमें तब होता है जब वो चीज हमसे दूर जाती है। सेम केस इसी तरह से पीपल फ्रांस के थे, उनके साथ भी ऐसे हुआ। नाउ दे वर इमोशनल अबाउट द लैंग्वेज, वो अपनी इमेज अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करी कि मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। ही सेड, उन्होंने कहा कि इनस्लेव जो लोग गुलाम होते हैं, ये जो लैंग्वेज एक चाबी की तरह काम करती है जेल से बाहर आने के लिए, तो इनको लैंग्वेज के प्रीशियस के बारे में एहसास कराया। हु वाज एमएमएल, कौन थे एमएमएल? वाज द फ्रेंच टीचर। बच्चों एमएमएल फ्रेंच के टीचर थे। अब स्कूल वेयर वाज स्टडी, जिस स्कूल में फ्रांस स्टडी करता था वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। व्हाई वाज फ्रांस इन ग्रेट डेट, फ्रांस डरा हुआ क्यों था। ही वाज ग्रेट डेट बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज ग्रामर लेसन, क्योंकि उसने अपने ग्रामर के लेसन को तैयार नहीं किया था, इसलिए डरा था। ऑर्डर क्या आया था, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। इट वाज ऑर्डर टू रिप्लेस फ्रेंच लैंग्वेज विद जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पे जर्मन लैंग्वेज को रिप्लेस करने का ऑर्डर आया था, है ना। व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे। फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, फ्रांस उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हिज टीचर एमएमएल हैड आस्क्ड, टीचर ने कहा था क्या प्रिपेयर करने का पार्टिसिपल के टॉपिक को, और इन्होंने करा नहीं था। ही वॉज लेट, स्कूल के लिए लेट भी हो गए थे, ग्रेट डेट, इसलिए डांट खाने का डर था। वेदर वॉज ऑल्सो गुड, वेदर बहुत ज्यादा गुड था, इनको टेम्पटिंग कर रहा था, अट्रैक्टिव कर रहा था स्कूल नहीं जाने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको द लास्ट लेसन के सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स एक्सप्लेन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।